नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाना के दो तरीके से पापड़। देखिए मैं आपको तलकर दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से तला रहे हैं। देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने दो तरीके से पापड़ बनाया है। पापड़ बनाने के लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच नमक। सबसे पहले हम साबूदाना को दो से तीन बार अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए मैं आपको साबूदाना धोकर दिखा रही हूँ, इसे हल्के हाथों से धो लेना है। देखिए इस प्रकार से। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए साबूदाना को मैंने दो से तीन बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसमें आधा कप पानी डालकर इसे दो से तीन घंटे तक भिगो के रख दूंगी। अब मैं इसे ढककर रख दूंगी ताकि साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए साबूदाना को तीन घंटे बाद मैं चेक कर रही हूँ, साबूदाना अच्छी तरह से भीग चुका है और फूल गया है। देखिए हम ऐसे दबाकर देखेंगे। देखिए साबूदाना अच्छी तरह से फूल गया है। अब यह साबूदाना पापड़ बनाने के लिए रेडी है। अब हम गंजी में हाफ कप से छः बार पानी डालेंगे। अब हम गैस चालू करेंगे और इसमें साबूदाना डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। देखिए साबूदाना ऊपर आ चुका है। हमें लगातार चम्मच चलाते रहना है जब तक कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखिए साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसका आधा हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे। देखिए बचा हुआ मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए पापड़ का मिश्रण पीस कर तैयार है। अब हम इसे दूसरे गंजी में निकाल लेंगे। देखिए इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। देखिए पिसा वाला मिश्रण और हमने पहले निकाला था वो मिश्रण तैयार है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जीरा और नमक को अच्छी तरह से पापड़ के मिश्रण में मिला लेना है। देखिए इस प्रकार से, ताकि नमक अच्छी तरह से मिल जाए। अब मिश्रण पापड़ बनाने के लिए तैयार है। देखिए मैंने साड़ी के ऊपर पॉलीथीन बिछा ली है। पापड़ बनाने के लिए मैंने थोड़ी मोटी पॉलीथीन ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए इस प्रकार से। अब हम इसमें एक एक चम्मच पापड़ का मिश्रण डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। देखिए इस प्रकार से। देखिए मैं आपको और अच्छी तरह से बनाकर दिखाती हूँ। इस प्रकार से फैला लेना है और पहले वाले पापड़ को भी इसी प्रकार से फैला लेंगे। अब हम दूसरे मिश्रण का भी पापड़ बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से, इसे भी फैला लेना है। इसी प्रकार हम सारे पापड़ बना लेंगे। गोल गोल पापड़ बनाने की मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। इस प्रकार से हमें कड़ा लेना है और उसमें पापड़ का मिश्रण डालकर फैला लेना है। देखिए गोल बन रहे हैं पापड़। इसी प्रकार हम पापड़ बना लेंगे। देखिए सारे पापड़ बनकर तैयार है। इसे हम अच्छी तरह से सूखने देंगे। देखिए पापड़ अच्छी तरह से सूख चुके हैं। देखिए सूखकर ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। देखिए दूसरा वाला भी पापड़ अच्छी तरह से सूख गया है।
मैं अब आपको पापड़ तल कर दिखाती हूँ। देखिए पापड़ कितने अच्छे से तला रहे हैं। देखिए दूसरा पापड़ भी मैं तल कर दिखा रही हूँ। इसे पलटते हुए हमें तल लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से तला रहा है। देखिए हमने पापड़ तल लिए हैं। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, कितनी आसानी से टूट रहे हैं।